मैं नीरज कुमार राठौर। आज घमासान.com के स्टूडियो में हमारे बीच में अली मोहम्मद रतलाम वाला साहब हैं, जो कि इंटरनेशनल एचआर कंसल्टेंट हैं इंदौर में। आपकी कंपनी ग्लोबल एजुकेशन एंड इमिग्रेशन पिछले 8-10 सालों से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को फॉरेन में सेटल करने का काम कर रही है। अली मोहम्मद साहब, आप बताइए कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आपकी कंपनी कौन कौन सी कंट्री में रिक्रूटमेंट कर रही है? बात करें आज के दिन के अंदर, तो रिक्रूटमेंट का पहला जो प्रेफरेंस होता है वो स्टूडेंट या किसी प्रोफेशनल का पहला प्रेफरेंस ये होता है कि किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर उनको जॉब मिले। पर ये बहुत ही हद तक महदूद है, क्योंकि जब बात करें कि अगर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसी एग्जिस्टिंग कंट्रीज़ के अंदर इतने प्रोफेशनल अवेलेबल होते हैं जिसको हम बोले वाइट कॉलर जॉब्स के। तो अपॉर्चुनिटीज़ होती तो है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होती, बट अगर जब तक आप एक्सेप्शनली वेल हैं। अभी मैं बात करूँ कि आईटी के प्रोफेशनल्स दैट इन लोगों की रिक्वायरमेंट आपको थ्रू आउट बनी रहती है। उसका मेन रीज़न है कि आईटी के रिलेटेड इतने रिसर्चेस चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स इतने चलते रहते हैं, इंडियन ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रेन माना जाता है, तो इन लोगों की कभी भी कमी नहीं होती। पर ये बात सच है कि आप ऑफशोर बैठकर वहाँ पे जो निकल रही अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसको ग्रैब करने के लिए, उनको करने के लिए वहाँ पे कई सारे प्रोफेशनल अवेलेबल हैं। पर अगर मैं बात करूँ कि जहाँ ब्लू कॉलर या फिर बात करें हम के जिसको बोलते हैं हम के ऑफ बीट जॉब्स, जैसे ड्राइवर हो गया, मैसन हो गया, प्लम्बर हो गया, ये सारी जॉब्स के लिए इंडियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानीज, इन सभी लेबर्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक एवरेज आदमी अगर इस तरह का जॉब करता है तो बमुश्किल 7-8-9 हज़ार, बहुत हो गया 10 हज़ार कमा लेता है। बट यही जॉब अगर वो वहाँ पे जाके करता है, जो कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ आवर के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग कल्चर ही बहुत अच्छा है, तो वो कहीं भी हद तक 35 से 40 हज़ार रुपये कमा लेता है, जो कि आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल दी एक्सपेंसेस लाइक फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है। हम बात करें हमारे जर्नी शुरू होने की, तो हमने ये जर्नी शुरू की एक आइडिया से कि भाई यहाँ पे इतने सारे लोग जो हमारे पास आते थे बच्चे, उनका पहला सवाल ये होता था कि सर अगर हमको कोर्स ना करना पड़े, हमको कोई डायरेक्ट जॉब मिल जाए, तो उससे एक आइडिया क्लिक हुआ कि हमको इस फील्ड के अंदर भी सोचना चाहिए कि कहीं पर इनको जॉब मिल जाए। बट बात करें तो एक्चुअली जो स्किल्ड पीपल होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट सब जगह बनी होती है। एक न्यूली ग्रेजुएट बंदा अगर है तो उसकी अभी एकदम इतनी जिसको बोलते हैं हम कि उसका कोई स्किल सेट ऐसा डेवलप नहीं होता है। वो एजुकेटेड है ये मान सकते हैं, बट उसके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं होता है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, पर अगर चाहें कोई बंदा स्किलफुल है, मैं बात करूँ अगर प्लम्बर है, ड्राइवर है, कुक है, जो कि कई जगह पर बहुत स्पेशली रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारे वोकेशनल और ऑफ बिट चीज़ें होती है जो आदमी की, आप बोल लीजिए या तो कुक की बात करें तो उसकी हॉबीज़ में से निकल कर आ सकता है, जिसको वो एक प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरह के लोगों को जब मैं मिलता था कई बार, तो मुझे ऐसा होता था कि इन लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। फिर धीरे धीरे मैंने इस बारे में रिसर्च किया और पता करा कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो होती है, जो मेन पावर रिक्रूट करती है, उनसे कॉन्टेक्ट करा, कुछ प्लेसमेंट्स हुए, तो फिर ये चीज़ पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया कि किस लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, किस हिसाब से ये लोग रिक्रूट करते हैं, और ऐसे ही ये चलता गया। और आज कई सारे बच्चे अच्छे तरीके से अपना रोज़गार और व्यापार कमा रहे हैं, देर हैप्पी ओवर देयर। अभी देखने में ये आ रहा है कि इंदौर और एमपी का मार्केट फॉरेन के रिक्रूटमेंट के हिसाब से इतना डेवलप नहीं है एज कम्पेयर टू पंजाब और गुजरात। यहाँ तो मानसिकता ये है कि पेरेंट्स भी बच्चों को अपने साथ में रखना ही पसंद करते हैं, तो क्या ये आपको एक हर्डल के तौर पे नहीं लग रहा कि इंदौर जैसे मार्केट में आप फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट के तौर पर और फॉरेन जॉब कंसल्टेंट के तौर पर फॉरेन में आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और यहाँ का माइंडसेट ये है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को यहीं रखना चाह रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो रहा है? आपको इसमें इशू नहीं आएंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर पहले से अभी तक में अवेयरनेस में तो काफ़ी सारा फर्क है। पहले आदमी को कई सारी चीज़ों की चिंता रहती थी, अगर बात करें तो उनको ये लगता था कि क्या होगा वहाँ पे, कोई हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा, ये हमारा बच्चा है, ये अभी इतना दुनिया देखा नहीं है जिसको हम बोलते, तो उसके साथ क्या होगा, उसको क्या, उसका रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें। अब धीरे धीरे चूँकि वर्ल्ड भी एक ग्लोबल मार्केट बनता चला जा रहा है, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस भी फैलती जा रही है।
अब आपने कंपेयर किया गुजरात से और पंजाब से, तो गुजरात और पंजाब के अवेयरनेस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हमारे यहाँ की एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पर उनके यहाँ पे क्या है, कल्चर है उनके यहाँ पे, वो लोग देखते हैं। आज आप कोई बंदा अगर मेडिकल फील्ड की बात करे तो कब लेता है कि जब उसका कोई बड़ा भाई है उसको कोई गाइड करने वाला मेडिकल में दे। तो वहाँ पे एक कल्चर इस तरह से डेवलप हुआ है कि हर व्यक्ति जाना चाहता है, अब्रॉड जाके काम कमाना चाहता है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है। अब माता पिता की बात करें तो असुरक्षाएँ बनी रहती है, उनको भी ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा कहाँ जाएगा। पर ये अब धीरे धीरे वो भी समझने लगे हैं कि करियर के प्रॉस्पेक्ट से बाहर उनके बच्चे का ज़्यादा ग्रोथ है। और मैं नहीं समझता कि कभी भी किसी माँ बाप को इस चीज़ में कोई आपत्ति आती है कि उनका बच्चा अगर अच्छी जगह पर प्लेस हो जाए या वो अच्छा कमाना शुरू कर दे। तो मैंने तो देखा है कि पेरेंट्स भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। फिर भी देखने में ही आया है कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में जितने स्कीम हुए हैं, अभी किसी भी इंडस्ट्री में इतने स्कीम नहीं हुई है हुए हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि एजेंट ने स्टूडेंट्स को और बेरोजगार नवयुवकों को ठगा। तो ये स्कीम को अवॉइड करने के लिए आपकी एजेंसी क्या क्या स्टेप उठा रही है और कैसे आप इसमें काम कर रहे हैं? सर, इसके अंदर एक एजेंसी को ब्लेम कर देना वो भी ठीक नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा क्या है, अवेयरनेस एप्लीकेंट की भी होनी चाहिए। उसको काफ़ी सारे सवाल जवाब स्टार्ट करें अगर उससे कि उसको क्यों जाना है, ये सबसे पहला सवाल है। आप जाने का आपका वजह पहले समझिए कि हम क्यों जाना चाहते हैं। अगर आप ये सोचकर जाना चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाके बसना चाहता हूँ, तो क्या वो देश वैसा है जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ को समझता है? आप अगर ये चाहते हैं कि मैं अपना सिर्फ रोज़गार कमाना चाहता हूँ, तो जो कंपनी आपको बुला रही है उसने क्या ऑफ़र दिया है आपके हाथ में, वो लीगल ऑफ़र आपके हाथ में है या नहीं, आपको कंपनीज़ वीज़ा इशू कर रही है वो प्रॉपरली उतने ड्यूरेशन का है या नहीं। कई जगह पे वीज़ाज कम ड्यूरेशन के भी होते हैं, दैट इज़ अ पार्ट, बट दैट इज़ एक्सटेंडेबल, उनका ऑफ़र भी उस तरह से आता है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस एप्लीकेंट की ज़रूरी है, वो ये चीज़ को समझे। हाँ, बात आती है कि कुछ नवयुवकों को बेवकूफ़ बना के कि भाई पहले पैसे दो हम करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पहले आपका प्रोफाइल लिया जाता है, आपका प्रोफाइल पहले बाहर पुश किया जाता है। आपका प्रोफाइल अगर कहीं पर सिलेक्ट होता है, आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है। अगर आप जिस चीज़ के लिए वहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए आप एज ए इलेक्ट्रिशियन वहाँ जा रहे हैं, तो आपका एज ए इलेक्ट्रिशियन का एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। कंपनी का जो HR बंदा होगा वो पॉलिसीज आपको क्लियर करेगा, उसके बाद आपका एक ऑफर लेटर जनरेट होगा। तो ये तो थोड़ी सी एप्लीकेंट की अवेयरनेस की बात है। अब कुछ लोग इसका स्कैम कर लेते हैं, उनको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अभी एट प्रेजेंट कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए आप जॉब रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि कॉलेजों से और यूनिवर्सिटीज से बेरोजगारों की एक फौज निकल रही है, जिसमें स्किल्ड वर्कफोर्स भी है, अनस्किल्ड वर्कफोर्स भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्पष्ट बोल चुकी है कि गवर्नमेंट जॉब की कमी है, तो वो यहीं पर ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये नवयुवक फॉरेन जाने के लिए अपने माइंडसेट को तैयार करके उधर की तरफ डाइवर्ट होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी। तो आपका क्या व्यू है कि क्या स्टूडेंट्स को फॉरेन जाने के लिए मोटिवेट होना चाहिए? देखिए, हर वो किसी काम के अंदर जिसके अंदर आप आपके करियर को बिल्ड कर सकते हैं, तो ये तो पहले तो बात हुई सेल्फ मोटिवेशन की, कि आपको सेल्फ मोटिवेशन आपका इतना रखना पड़ेगा। करियर कौन नहीं बनाना चाहता, करियर हर कोई बनाना चाहता है। आप बात करें कि बेरोजगार निकल रहे हैं या इतने स्किल इतने लोग पढ़कर निकल रहे हैं, पढ़कर निकलना वही बात आती है कि जहाँ पे आपने बात करा कि सरकार हमारी भी इतनी कोशिश कर रही है कि वो स्किल इंडिया वाला भी प्रोग्राम चला रहे हैं। आज स्किल्स की तो ज़रूरत है। मैंने आपसे बात करी कि जब हम बात करते हैं कुछ वाइट कॉलर जॉब की, तो वाइट कॉलर जॉब्स को करने के लिए तो ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी सारे लोग अवेलेबल है। हम लोगों को वो स्किल्स जैसे प्लम्बर, जैसे मेसन, जैसे इलेक्ट्रिशियन, जैसे टाइलर, जैसे टेलर, ये सारे ऐसे स्किल्स है कि ये मैं समझता हूँ कि जो कम पढ़े लिखे हैं और जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उन लोगों का भी इसमें काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है और वो लोग अच्छे अपनी रोज़गार कमा सकते हैं। तो मिलजुल कर बात यह है कि ये मामला होता है विदेश में, जब भी आप नौकरी की बात करेंगे तो वो स्किल की बात होगी। वो बहुत ही मतलब ये प्राथमिक स्तर के ऊपर ये चीज़ होती है कि आपके पास वो डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए आप मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको मैनेजर के अंदर या मैनेजरियल लेवल की कोई क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, वो आपके लिए सीढ़ी का काम करेगा। पर क्या आप उस जगह पर जाके परफॉर्म कर पाएंगे, उसके लिए तो आपकी स्किल्स ज़रूरी है, उसके लिए तो आपका हुनर ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी, माइंड में रखनी पड़ेगी कि भाई आपके पास वो स्किल्स हो। और मैं ये जोर देकर कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ पर पढ़ाई पर बहुत खर्चा करते हैं,
अपनी स्किल्स पे कोई खर्च नहीं करता। आप ऐसे क्रैश कोर्स करके भी हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं, जो आप हो सकता है कि पूरा आप एक जिसको बोलते हैं डिग्री कोर्स करें और उसके बाद भी आपको वैसी जॉब ना मिले। तो ये थे अली मोहम्मद साहब, जो कि ग्लोबल एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंपनी के डायरेक्टर हैं। आपने आज घमासान के ऑडियंस के लिए इंटरनेशनल एचआर और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।